सनातन धर्म के अनुसार पितृ पक्ष में अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध करने का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार पितृ इन दिनों पृथ्वी पर विचरण करते हैं ताकि 16 दिनों तक वो अपने परिजनों के बीच रहकर अन्न और जल ग्रहण कर तृप्त हो सकें। पितृपक्ष का समापन अश्विन मास की अमावस्या तिथि को होता है, जो इस बार 6 अक्टूबर को है। दोस्तों, इस दिन कुछ ऐसे कामों को किया जाता है जिसके करने पर हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं, लेकिन इसके साथ ही कुछ ऐसे कामों की मनाही भी होती है जिन्हें करने पर हमें कष्ट भोगना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, तो आइए आपको बताते हैं वो काम। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर्व पितृ अमावस्या पर क्या करना चाहिए। इस दिन पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए ब्राह्मणों को घर बुलाएं और आदर के साथ उन्हें भोजन कराएं और दक्षिणा देकर उन्हें विदा करें। इस दिन गाय, कुत्ते और कौए को भोजन अवश्य कराना चाहिए। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होंगे। सर्व पितृ अमावस्या के दिन चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाएं, गाय को हरा चारा खिलाएं। ऐसा करने से आपको कष्टों से मुक्ति मिलेगी। पितृ पक्ष में पशु पक्षियों को अन्न जल देने से विशेष लाभ मिलता है। इन्हें भोजन देने से पितृगण संतुष्ट होते हैं। इस दिन पितरों के निमित्त असहाय एवं गरीब लोगों को भरपेट भोजन कराएं। ऐसा करने से घर की आर्थिक परेशानी दूर होती है और धन संपत्ति का आगमन होता है। इस दिन संध्या काल में घर के ईशान कोण में पूजा वाले स्थान पर गाय के घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से आपको सभी सुखों की प्राप्ति होगी। अनेक परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए इस दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद आटे की गोलियां बनाएं और किसी तालाब या नदी के किनारे जाकर ये आटे की गोलियां मछलियों को खिला दें। चलिए अब बात करते हैं कि इस दिन भूलकर भी कौन से काम नहीं करने चाहिए। सर्व पितृ अमावस्या के दिन जो कोई भी व्यक्ति आपके घर दान दक्षिणा लेने आए, उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। आप जितना दान या दक्षिणा देने में समर्थ हो उतना जरूर करें। साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर इस दिन आपके घर कोई भूखा व्यक्ति खाना मांगते हुए आता है तो उसे खाने के लिए मना नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को खाना खिलाएं या चावल आटा दान करें। सर्व पितृ अमावस्या के दिन भूलकर भी मांस मदिरा का सेवन ना करें। ऐसा करना पितृ दोष का कारण बन सकता है, इसलिए इस दिन मांस मदिरा के सेवन से बचें। इस दिन बाल नाखून नहीं काटने चाहिए। साथ ही ये भी ध्यान रखें कि इस दिन दाढ़ी भी नहीं बनानी चाहिए। मान्यता के अनुसार ऐसा करना अशुभ माना जाता है। इस दिन किसी के साथ बुरा व्यवहार न करें। अपने से बड़े लोगों का अपमान नहीं करें, ऐसा व्यवहार अच्छा नहीं माना जाता है। माना जाता है कि विशेष रूप से सर्व पितृ अमावस्या के दिन ऐसा करने से घर में पितृ दोष लगता है। कुंडली टीवी डेस्क से लता शर्मा की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।